इस वक्त बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आप सभी को हैरान कर सकती है। दरअसल मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी करते हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में ले लिया है। आर्यन खान के साथ सात अन्य लोग भी हैं जिनसे मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है और इस मामले की जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जल्द ही आर्यन खान को गिरफ्तार किया जाएगा, हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। क्रूज में चल रही इस रेव पार्टी से ड्रग बरामद हुए हैं जिसके बाद एनसीबी और मुंबई पुलिस इसकी जांच में जुट चुकी है। कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 3 को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। ये एक हाई प्रोफाइल पार्टी थी जिसमें बिजनेस जगत और फिल्म जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल थी और इस पार्टी के VVPI गेस्ट थे आर्यन खान। वहीं अभी तक की पूछताछ में आर्यन खान ने पुलिस के सामने बताया है कि उन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा नहीं दिया। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।